हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज़ रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट मैंगो केक, वो भी एक अलग डिज़ाइन के साथ। इस केक में मैंने तीन अलग अलग डिज़ाइंस दिखाए हैं। चलिए तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने मार्केट स्टाइल रेडी प्रीमिक्स यूज करके ये चॉकलेट केक स्पॉन्ज बना के लिया है। ये 1/2 kg का स्पॉन्ज है, इसे मैंने 6 इंच के टिन में बनाया है। अब इस स्पॉन्ज को हमें 3 लेयर में कट करना है। वैसे तो 1/2 kg स्पॉन्ज के 2 लेयर प्रॉपर कट होते हैं, लेकिन इस स्पॉन्ज के मैं पतले पतले ऐसे 3 लेयर कट कर रही हूँ। इसी तरह ये दूसरा लेयर भी मैंने कट कर दिया है। आप देख सकते हो इस केक में कितनी मस्त जाली आई है। अब टर्निंग टेबल के ऊपर एक एंटी स्लिपरी मैट रख के उसके ऊपर मैंने केक बोर्ड को रख दिया है। यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम के अंदर थोड़ा सा मैंगो प्यूरी डाल के क्रीम रेडी करके ली है। अब केक के फर्स्ट लेयर को शुगर सिरप से या फिर सिंपल वाटर से सोक करना है। चॉकलेट केक स्पॉन्ज को कंपैरेटिवली वेनिला केक स्पॉन्ज थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोक करना पड़ता है। क्रीम के अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करके जो हमने फिलिंग रेडी किया था वो हमें इस केक के लेयर के ऊपर डालना है और इवनली इसे हमें ऐसे स्प्रेड करना है। यहाँ पे ये मैंने चॉकलेट घनाश लिया है। घनाश को प्रॉपर कैसे रेडी करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। घनाश को थोड़ा सा इस क्रीम के लेयर के ऊपर डालना है और हमें इसे भी ऐसे स्प्रेड करना है। इससे इस केक में मस्त एक चॉकलेट फ्लेवर आएगा। यहाँ पे ये मैंने फ्रेश मैंगो के छोटे छोटे पीसेस करके लिए हैं, वो मैं इस लेयर के ऊपर डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डाला तो भी चलेगा। अब हमें इसके ऊपर रखना है सेकेंड लेयर। साइड का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उससे हमें जो साइड के गैप्स है वो तुरंत ऐसे फिल करने हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट किया है उसी तरह हमें दूसरा लेयर भी कंप्लीट करना है। पहले सोकिंग, उसके बाद क्रीम लगाना है, क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करना है। उसके बाद आएगा चॉकलेट घनाश का लेयर, डालने के बाद उसे भी ऐसे इवनली स्प्रेड करना है। अब इसके ऊपर हमने जो फ्रेश मैंगो के पीसेस करके लिए है वो डालने हैं। इसी तरह ये हमारा केक का सेकेंड लेयर भी रेडी हो गया है। इसके ऊपर अब हमें रखना है केक का फर्स्ट लेयर। इसे मैं थोड़ा सा अंदर से सोक कर रही हूँ। जो केक का लास्ट लेयर है उसे मैं फर्स्ट में रख रही हूँ। इसका बटर पेपर धीरे से निकालना है। अब इस लेयर के ऊपर हमें डालना है क्रीम। क्रीम का पतला लेयर लगा के इस केक को हमें क्रम कोट करना है। अब पैलेट नाइफ का यूज करके इस क्रीम को हमें केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। ये सब काम हमें एकदम हल्के हाथ से करना है। साइड की जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें पैलेट नाइफ से ऐसे स्प्रेड करके केक को हमें पूरा कवर करना है। अब केक बोर्ड के ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम लगा है उसे मैं ऐसे क्लीन कर रही हूँ। इस केक को क्रम कोट करने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। अब इसके ऊपर मैं सिंपल प्लेन क्रीम से इसे फिनिशिंग देने वाली हूँ। इस क्रीम को हमें ऐसे साइड में करते हुए अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड करना है। जैसे जैसे हम क्रीम को पैलेट नाइफ से ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं वैसे वैसे हमें एक हाथ से टर्निंग टेबल को ऐसे घुमाना है। यह अब साइड में जो एक्स्ट्रा क्रीम आ गया है उसे हमें पैलेट नाइफ से ऐसे पूरे केक को साइड से भी कवर करना है। क्रीम के साथ जब आप काम करते हो तो आपको एकदम हल्के हाथ से ये काम करना है, तो आपके केक का फिनिशिंग जो है वो अच्छा आएगा। और बार बार पैलेट नाइफ को क्लीन करना है। अगर आपको कहीं भी क्रीम कम लग रही है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रीम वहाँ पे लगा सकते हो। अब इस केक को मैंने क्रीम से पूरा कवर कर दिया है। अब हमें स्क्रैपर को थोड़ा सा ओपन पकड़ना है और टर्निंग टेबल को हमें स्क्रैपर की तरफ टर्न करना है। स्क्रैपर जो है हमें एकदम हल्के हाथ से पकड़ना है, हमें केक का क्रीम नहीं निकालना है, जस्ट क्रीम को फिनिशिंग देना है। पैलेट नाइफ को थोड़ा सा ओपन पकड़ना है और ऊपर की जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें जस्ट ऐसे अंदर पुश करना है। तो ये हमारा केक का ऊपर का भी फिनिशिंग अच्छे से आ गया है। अब साइड में जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे मैं ऐसे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। अब इस केक को थोड़ी देर में साइड में रख रही हूँ। इस केक को डेकोरेट करने के लिए आज मैं वेफल शीट का यूज़ कैसे करना है वो आपको बताऊंगी। ये मेरे पास है वेफल शीट, ये एडिबल है। इसे हम 1 से 1.5 महीने तक घर पे ड्राई प्लेस पे स्टोर कर सकते हैं। जो फोटो केक के लिए यूज़ होता है शुगर प्रिंट, वो और ये वेफल शीट टोटली अलग है। ये शीट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और केक मटेरियल के शॉप में इसके अलग अलग डिज़ाइंस और कलर्स में भी ये अवेलेबल है। जो हम वेफल बिस्किट खाते हैं
उसी बैटर से ये शीट बनाया जाता है। इस वेफर शीट को केक के लिए कैसे यूज करना है वो आज हम देखेंगे। ये वेफर शीट एक प्लास्टिक के अंदर है, इसका प्लास्टिक मैंने अभी तक नहीं निकाला है। मैं इसे केक के ऊपर और साइड में लगाने वाली हूँ। मैंने जिस टिन में केक को बेक किया था उसी टिन साइज़ का मैं इसे कट कर रही हूँ। ये मैंने पेन से इसे प्लास्टिक पे मार्क करके लिया है। ये वेफर शीट जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे प्लास्टिक के अंदर होता है। मैंने अभी तक इसे बाहर नहीं निकाला है क्योंकि हमें इसे गीला हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो इसके ऊपर क्रैक आ जाएंगे और ये शीट खराब होगा। अगर आप वेफर शीट यूज़ कर रहे हो केक के लिए तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो जहाँ से मैंने इस शीट के ऊपर मार्किंग किया था वहाँ से मैं अब इसे कट कर रही हूँ। इस वेफर शीट को मैंने राउंड में कट कर दिया है, इसको मैंने बैग के अंदर ही कट कर दिया था तो ये प्लास्टिक भी इसके साथ कट हो गया है, तो वो मैंने निकाल दिया है। इस वेफर शीट के पीछे कुछ स्टिकर वगैरह नहीं होता है तो हमें इसे डायरेक्ट ही ऐसे रख के केक के लिए यूज़ करना है। वेफर शीट का जो मैंने राउंड कट करके लिया था उसे मैं ऐसे डायरेक्ट केक के ऊपर रख रही हूँ। इसे एकदम हल्के हाथ से रखना है और एकदम हल्के हाथ से जस्ट इसे ऐसे थोड़ा सा टैप करना है। वेफर शीट को मैंने केक के ऊपर रख दिया है। अब इस वेफर शीट के साइड में मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच इतना पाउडर छोड़ा है क्योंकि मुझे वहाँ पे आपको एक अलग डिज़ाइन दिखाना है फ्लावर का। आप इसे पूरा भी कवर कर सकते हो, पूरे राउंड में वेफर शीट कवर कर सकते हो। केक के ऊपर का राउंड कट करने के बाद जो बची हुई वेफर शीट है उसका भी हम केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। केक के साइड में मुझे जितनी हाइट का वेफर शीट लगाना है उसी हाइट का मैंने वेफर शीट का एक स्ट्रिप कट करके लिया है। मुझे और भी एक स्ट्रिप लगेगा क्योंकि ये कम पड़ेगा केक के लिए, तो मैं उसी मेजरमेंट से जो बचा हुआ वेफर शीट है उससे ये मार्क करके ले रही हूँ। इस वेफर शीट की बैक साइड है, हमें इसे ऐसे पकड़ के हल्के हाथ से इसे ऐसे केक के ऊपर लगाना है। मेरे पास जो वेफर शीट है वो थोड़ा सा छोटा है, इसके वजह से मैं उसे थोड़ा एडजस्ट करके इस केक के ऊपर लगा रही हूँ। अब जहाँ पे कम पड़ रहा है वहाँ पे मैंने ये छोटा सा स्ट्रिप कट करके लिया है, उसे ऐसे लगा रही हूँ। अब वेफर शीट को मैंने केक के ऊपर लगा दिया है। इस वेफर शीट को थोड़ा सा शाइन आने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा न्यूट्रल जेल लिया है। यहाँ पे ये मैंने 1 टेबलस्पून इतना न्यूट्रल जेल लिया है। ये थोड़ा थीक है, ये मुझे स्मूथ चाहिए, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है स्मूथ होने तक। अब जो स्मूथ किया हुआ न्यूट्रल जेल है वो हमें इस वेफर शीट के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। न्यूट्रल जेल लगाने से इस वेफर शीट में बहुत अच्छा शाइन आता है। न्यूट्रल जेल को हमें पैलेट नाइफ से एकदम हल्के हाथ से ऐसे इस वेफर शीट के ऊपर ऐसे स्प्रेड करना है। ऊपर स्प्रेड करने के बाद साइड से भी हमें जो वेफर शीट है उसके ऊपर ऐसे इस न्यूट्रल जेल को लगाना है। न्यूट्रल जेल लगाने के बाद इस वेफर शीट में बहुत अच्छा शाइन आया है, आप देख सकते हो। केक को थोड़ा सा मैं और डेकोरेट करने वाली हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैंने क्रीम के अंदर थोड़ा सा पी ग्रीन कलर ऐड कर दिया है। अगर आपको सिंपल कम क्रीम वाला केक चाहिए तो आप इस केक को ऐसे ही फ्लोरल प्रिंट में रख सकते हो। केक को थोड़ा सा नीचे से फॉल्ट लाइन देने वाली हूँ तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये पी ग्रीन कलर डाल के क्रीम रेडी करके लिया है। जो कलर मैंने क्रीम में डाला है वही पी ग्रीन कलर मैंने पाइपिंग बैग के अंदर थोड़ा सा डाल दिया है। पाइपिंग बैग के अंदर कलर डालने के बाद उसे अच्छे से ऐसे हाथ से स्प्रेड करना है पाइपिंग बैग के अंदर, और उसके अंदर हमें जो रेडी क्रीम है पी ग्रीन कलर की वो फिल करनी है। पाइपिंग बैग को थोड़ा सा कट लगाना है और इस तरह हमें ये क्रीम को इस केक के नीचे की तरफ से ऐसे लगाना है। फ्रेंड्स, इस केक के ऊपर मैं ये फॉल्ट लाइन इफेक्ट बना रही हूँ। ये फॉल्ट लाइन की डिज़ाइन आप और भी अलग अलग केक में यूज़ कर सकते हो। अब ये पी ग्रीन कलर की जो क्रीम है उसका मैंने ये 3-4 लाइंस इस केक के ऊपर बना दिया है। ये क्रीम की लाइंस जो है वो हमें थोड़े से झिकझक टाइप में बनाने हैं। अब हमें स्क्रैपर की मदद से इस क्रीम को फिनिशिंग देना है। स्क्रैपर को थोड़ा सा ओपन पकड़ना है और टर्निंग टेबल को स्क्रैपर की तरफ टर्न करना है। इसी तरह ये कितना मस्त फॉल्ट लाइन रेडी हुआ है, देखिए कितना मस्त लग रहा है ये फॉल्ट लाइन। आप केक को इतना ही रख सकते हो डेकोरेट करके, लेकिन मैं आपको और थोड़ा इसे डेकोरेट कैसे करना है वो दिखाऊंगी। अब इस फॉल्ट लाइन को हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये गोल्डन डस्ट कलर यूज करने वाली हूँ। डस्ट कलर जो है ऐसे पाउडर फॉर्म में होते हैं,
ये मैं ये गोल्डन डस्ट कलर है वो थोड़ा सा इसे बाउल में ले रही हूँ। इसे जो डस्ट कलर है लोकल भी आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन आप कभी भी केक के लिए अच्छे कलर यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, इस गोल्डन डस्ट कलर को अगर आप डायरेक्ट केक के ऊपर लगाओगे तो वो चिपकेगा नहीं। इसके अंदर हमें ऐड करना है लिक्विड इवेपोरेटर। ये मेरे पास प्यूरिक्स ब्रांड का है, ये फैब ब्रांड का भी एक अच्छा मिलता है। ये आपको ऑनलाइन या केक मटेरियल के शॉप में इजी मिल जाएगा। ये इस कलर को इवेपोरेट करने का काम करता है। इसकी जगह पे आपको अगर चलता है तो ओडका यूज कर सकते हो। अगर आप डस्ट कलर के अंदर पानी या लेमन जूस वगैरह डालोगे तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस गोल्डन डस्ट कलर के अंदर मैं ये थोड़ा सा इवेपोरेटर डाल देती हूँ। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें एक अच्छा क्लीन ब्रश लेना है और उससे देखिए ये डस्ट कलर कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस कलर को जो हमने फॉल्ट लाइन बनाई है उसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। हमें ये गोल्डन कलर जो है थोड़ा थोड़ा ही रेडी करके लेना है, क्योंकि इवेपोरेटर जो है हवा के कांटेक्ट में आने के बाद तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो बाउल में जो हमने कलर रेडी करके लिया है वो तुरंत ड्राई हो जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा ही रेडी करके बाद में उसे यूज़ करना है। अब ये गोल्डन डस्ट कलर में पूरे केक के राउंड में फॉल्ट लाइन के ऊपर ऐसे लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब इस केक के पूरे राउंड में मैंने ये गोल्डन डस्ट कलर लगा दिया है फॉल्ट लाइन के ऊपर। आप देख सकते हो ये फॉल्ट लाइन कितना उठ के दिख रहा है। फ्रेंड्स, आप इस केक को इतना ही रख सकते हो, लेकिन मुझे आपको एक और डिज़ाइन दिखानी है, इसलिए मैं इसे ऊपर से और थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। अब मैं छोटे फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग के अंदर सिंपल क्रीम भर के लिया है और ये मैंने नूर 44 नंबर का नोज़ल डाला है। रोज नेल के ऊपर हमें ऐसे सिंपल बेस बनाना है राउंड में। अब इस नोज़ल का हमें जो थिन पार्ट है ऊपर की साइड में रखना है और ब्रॉड पार्ट नीचे की साइड में रखना है। पाइपिंग बैग को ऐसे क्रॉस पकड़ना है और इस तरह हमें ये पेटल्स रेडी करने हैं। यहाँ पे ये मैंने 5 पेटल्स बनाए हैं। अब ये मैंने येलो डस्ट कलर लिया है, उसे मैं थोड़ा सा इस फ्लावर के ऊपर डस्ट कर रही हूँ। अब इस फोक से या सीजर की मदद से इस फ्लावर को हमें हल्के हाथ से उठाना है और केक के ऊपर मैंने छोटा सा बेस बना के रखा था उसके ऊपर हमें इसे हल्के हाथ से रखना है। वही सेम प्रोसीजर से मैं और एक फ्लावर रेडी करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर का डिज़ाइन है वो टोटली ऑप्शनल है। आपने इस केक को ऐसे ही रखा तो भी ये बहुत अच्छा दिखता है। अगर आपको कम क्रीम वाला केक चाहिए तो ये केक का ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये फ्लावर का डिज़ाइन जो है वो आप दूसरे केक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा दिखता है। केक के ऊपर क्रीम का छोटा सा बेस बना के उसके ऊपर हमें ये फ्लावर को रखना है, नहीं तो ये फ्लावर जो है स्लिप हो जाएंगे। अब मैं और थोड़े छोटे फ्लावर्स बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने नूर 36 नंबर का नोज़ल लिया है। उससे हमें सिंपल ऐसे बेस बनाना है और इस तरह हमें ये पेटल्स बनाने हैं। इस फ्लावर को मैं रेड डस्ट कलर से थोड़ा सा डस्ट कर रही हूँ। इसी तरह ये हमारा छोटा सा रेड कलर का फ्लावर भी रेडी हो गया है। इसे भी मैं इस केक के ऊपर प्लेस कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अब मेरे पास जो ये थोड़ा सा क्रीम बचा था उसके अंदर मैंने रेडियंट ग्रीन ये जेल कलर डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसी सेम कलर को मैंने थोड़ा सा पाइपिंग बैग के अंदर भी डाल दिया है। इस कलर को हाथ से थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करके इसके अंदर मैंने क्रीम फिल करके ली है। इस पाइपिंग बैग को मैंने एक छोटा सा कट लगाया है और उससे मैं इस फ्लावर्स के साइड में ऐसे क्रीपर्स बना रही हूँ। यहाँ से मैं केक के ऊपर डायरेक्ट फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ क्रीम लगाया है ग्रीन कलर का। अब ये नूर 36 नंबर के नोजल से मैं डायरेक्ट ये केक के ऊपर ऐसे पेटल्स बना रही हूँ। देखिए केक के ऊपर डायरेक्ट बनाया हुआ ये फ्लावर भी कितना मस्त दिख रहा है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा येलो कलर डस्ट कर रही हूँ। आगे भी मैं ऐसे 2-3 फ्लावर बनाने वाली हूँ। नूर 36 ये छोटा नोजल है, इससे ये छोटे छोटे पेटल्स रेडी होते हैं फ्लावर के। नोजल का थिन पार्ट ऊपर साइड में रखना है और ब्रॉड पार्ट नीचे के साइड में। फ्लावर्स का डिज़ाइन है वो आप दूसरे किसी केक के ऊपर भी बना सकते हो, बहुत अच्छा दिखता है। फ्लावर्स के ऊपर मैं अभी थोड़ा सा येलो कलर डस्ट कर रही हूँ। अब फ्लावर्स का डिज़ाइन तो रेडी हो गया है। पाइपिंग बैग के अंदर मैंने क्रीम भर के लिया है, पाइपिंग बैग का थोड़ा सा कट लगाया है और सिंपल मैं ऐसे ये बॉर्डर बना रही हूँ।
मेरे पास ये कुछ एडेबल मोतीज़ है, इनमें से जो बड़े मोतीज़ है उनको मैं सिर्फ ये फ्लावर्स के बीच में रख रही हूँ। ये मोतीज रखने के बाद ये फ्लावर का लुक, ये डिज़ाइन का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चॉकलेट मैंगो केक, वो भी अलग एक डिज़ाइन के साथ रेडी है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है जो हम अंदर फीलिंग बनाते हैं उसी से ही रिलेटेड हमें डिज़ाइन बनाना है। हम हमारे मन से जो भी हमें अच्छा लगता है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस केक में मैंने जो डिज़ाइन दिखाए हैं वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और आगे और भी अलग अलग केक के डिज़ाइन और भी अलग अलग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। बाय, थैंक यू।